सो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है यार आप सभी से, वीडियो को बस यार कंप्लीट देखना एंड यार विदाउट स्किप कर देखना, ताकि यार आप सभी को जो मैं वीडियो में सिखाने वाला हूँ यार वो भी आप अच्छे से सीख जाओ एंड यार मेरा भी कोई नुकसान ना हो, ठीक है गाइस। तो प्लीज़ यार वीडियो को कंप्लीट देखना एंड स्किप मत करना। तो उसके बाद गाइस पहले आप सभी को करना क्या है, तो आप सभी को पहले अपने इंस्टाग्राम ओपन करना है एंड उसके बाद स्टोरी में जाना है, ठीक है गाइस। स्टोरी में जाने के बाद आप सभी को क्या करना है, पहले हम स्टोरी में चलते गाइस एंड उसके बाद आप सभी को सबसे एंड में जाना है जहाँ से हम गाइस फिल्टर सर्च करते हैं, वहाँ पर जाना है। अगर आप सभी को नहीं समझ आ रहा तो आप देख सकते हो वीडियो में मैं जैसे कर रहा हूँ, आपको वैसे स्क्रॉल करना है एंड सर्च वाले ऑप्शन में जाने के बाद उसके बाद आप सभी को यहाँ पे सर्च करना है अरोरा रनवे अरोरा सर्च करना है, ओके। सो अरोरा भी सर्च करोगे तब भी आ जाएगा एंड रनवे भी सर्च करोगे तब भी आ ही जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड आगे का मेथड क्या है मैं आप सभी को समझाता हूँ, पहले ये आ जाए फिल्टर। तो क्या है, ये फिल्टर आ चुका है, तो ये सेकंड वाला फिल्टर दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करना है एंड आप सभी को इसको नीचे डाउनलोड मैंने कर रखा है एंड इस जगह आप सभी को क्लिक करके आपको डाउनलोड करना है, जहाँ पे मैं टैप कर रहा हूँ यहाँ पे क्लिक करके आपको उसको डाउनलोड कर लेना है एंड सिंपली आपकी स्टोरी वाले फिल्टर्स में आ जाएगा, ठीक है। तो उसको आपको यूज़ कैसे करना है मैं बताता हूँ एंड उसके बाद आप सभी को यहाँ पे स्क्रॉल करना है, ढूंढना है आपका क्या वो अरोरा वाला फिल्टर किस साइड है। तो जैसे कि ये देखिए ये फिल्टर मेरा यहाँ मिल गया, तो आप सबको ढूंढ लेना, आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा आपके इसमें। तो इसको हम लेते हैं एंड इसको आपको यूज़ कैसे करना है अब मैं आप सभी को बताता हूँ। एंड गाइस मैं अभी इसमें वीडियो शूट तो नहीं करूँगा, मैं आपको अपने हैंड से सिखाऊंगा, क्योंकि यार मैं अभी थोड़ा वीडियो बनाने के मूड में नहीं हूँ, तो मैं इसको हैंड से करता हूँ। तो आप सभी को करना है क्या, पहले गाइस आप सभी को ऐसे इस तरीके से पहले आपको अपना कोई भी पोज करना है सामने की तरफ, जैसे मैंने अपना हैंड कर रखा है एंड उसके बाद आपको वीडियो को ऑन कर देना, वो अपने आप ही मूवमेंट ले लेगा एंड आप जब म्यूज़िक सुनोगे तो आपको उसके हिसाब से खुद ही पता चल जाएगा। एंड गाइस मैं म्यूज़िक नहीं चला सकता, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप सभी को समझ सकते होंगे कि यार मैं म्यूज़िक क्यों नहीं चला रहा हूँ, तो मुझे बताने की जरूरत है नहीं। सो गाइस देख सकते हो आप वीडियो में, जैसे गाइस मेरा जैसे मूवमेंट मैं कर रहा हूँ अपने आप ही सब कुछ वीडियो में हो रहा है, तो आप सभी को ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है नहीं, बस आप सभी को पोजेस कर रहे हैं। एंड अगर आप फोटोशूट का व्लॉग्स वगैरह कुछ भी बनाते हो रील्स वगैरह, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है ये, आप भी हम बड़े ईजी तरीके से कर सकते हो, है ना। तो अब इसको आप सभी को मतलब ये एडिट करना है, मतलब एडिट तो पहले से हो रखी है, तो आप सभी को उसको अपलोड कैसे करना है एंड अपलोड कैसे करना है और हैशटैग क्या यूज़ करना है आप सभी को, तो मैं ये सब बताऊँगा। तो आप सभी को इसको देखो, मैं गाइस आप सभी को एक बार और वीडियो को पूरा चला के दिखाता हूँ, गाइस देखो कैसी वीडियो हमारी बनी है, ठीक है। तो हम वीडियो को देखते हैं विदाउट म्यूज़िक, तो उसके लिए यार म्यूज़िक के लिए यार प्लीज़ यार सॉरी यार, मेरे को आप समझ सकते हो ना, तो मेरे को बोलने की जरूरत नहीं। तो गाइस देखिए वीडियो काफ़ी ऑसम लग रही है यार, अगर मैं इसमें अपना फेस दिखा करता तो और भी अच्छी लगती, बट ये ऐसे भी अच्छी लग रही है एंड ये देखिए गाइस अच्छे सही मूवमेंट हो रही है, ठीक है। तो गाइस ज़रूर ट्राई करना यार, आप सभी को भी ट्राई करना चाहिए, क्योंकि यार काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, 3-3 मिलियन लाइक आ रही है लोगों की वीडियोज़ में, तो यार आप समझ सकते हो ना। तो इसको हम सिंपली यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन में क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो उसको डाउनलोड कर लेते हैं एंड आगे जो आपको मेथड है अपलोड कैसे करनी है, तो वो सब मैं आपको अभी वीडियो में दिखाऊंगा एंड क्या बताऊंगा कि कैसे क्या करना है आप सभी को, तो वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखते रहो। तो पहले हम इसको यहाँ से पहले डिस्कार्ड कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आपको स्टोरी लगानी तब स्टोरी भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो उसके लिए पहले आप सभी को करना है क्या, रील्स वाले ऑप्शन में जाना है। सो गाइस रील्स वाले में नहीं, मैंने आपको को वाली वीडियो को सेव कर लेना है, जो अगर आपने ये वाली वीडियो देखी होगी या जो ट्रेंड चल रहा है उस वीडियो को आपको पहले सेव कर लेना है एंड उसके म्यूज़िक में आप सभी को इस वीडियो को अपलोड करना है, ठीक है। तो उसको म्यूज़िक में अपलोड करना है, तो पहले मैं यहाँ से अपने सेव वाले ऑप्शन में जाके मैं इस वीडियो को जाके वहाँ पे उस म्यूज़िक में अपलोड करता हूँ, ठीक है। तो मैं पहले सेव में चलता हूँ एंड वो वीडियो मेरी यहीं कहीं है, मैंने अभी सुबह ही सेव करी थी उस वीडियो को, तो मैं इसको यहाँ से ले लेता हूँ। सो ये वीडियो आ चुकी है, तो उसको मैं यहाँ से जाके म्यूज़िक वाले ऑप्शन में क्लिक करके एंड सिंपली यहाँ से यूज़ या ऑडियो यूज़ का कुछ ऐड यूज़ का कुछ ऑप्शन आता है, ठीक है, तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं। नीचे से यूज़ ऑडियो नीचे आपको दिख रहा होगा गाइस, तो इस पर क्लिक कर देते हैं एंड यहाँ से जाने के बाद हम सिंपली इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे एंड हमारी वीडियोस जो भी हैं हमारी वो आ जाएंगी, ठीक है। तो जो सो मैं यहाँ से क्लिक करके अपनी इस वीडियो को ले लेते हैं जो हमने एडिट करी है अभी, जो मतलब कि जो शूट करी इसको हम ले लेते हैं एंड सिंपली यहाँ से ऊपर ऐड वाले ऑप्शन पर जाके इसको हम ऐड कर लेंगे। सिंपली ऊपर आपको ऐड का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर ऐड कर लेते हैं। सो गाइस ये थोड़ा प्रोसेसिंग ले रहता है यार, ज़्यादा टाइम लग जाता है इसमें ना, तो थोड़ा मैं वीडियो पॉज करता हूँ यहाँ पे एंड आप सबको सीधा इसमें वीडियो में ले जाता हूँ, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पे कर लिया है, सो हमारी वीडियो ऐड हो चुकी है, तो उसके बाद हम यहाँ पे साइड वाला ऑप्शन पे क्लिक करके वीडियो को ले जाएंगे एंड यहाँ से हमारी सब कुछ वीडियो में परफेक्ट है। आपको टेक्स्ट वगैरह लगाना हो तो लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी को पहले इसको कवर सेलेक्ट करना है, कवर का भी गाइस बहुत वो होता है, कवर जरूर लगाया करो वीडियो में अगर आप नहीं लगाते हो तो, ठीक है। तो कवर हमने लगा लिया एंड ये कवर लाएंगे हम एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको टाइटल पहले कैप्शन में लिखना है आपको ट्रेंडिंग, ठीक है, हैशटैग विदाउट हैशटैग के ट्रेंडिंग लिखना है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको हैशटैग में जाना है, ठीक है, हैशटैग लगाना है एंड उसके बाद लिखना है यहाँ पे रनअवे, ठीक है, रनअवे ज़रूर डालना
एंड उसके बाद ये हो गया, तो यहाँ से हम एक और स्पेस देंगे एंड इसके बाद हैशटैग लाएंगे एंड अरोरा लिखेंगे, ठीक है। ये दो हैशटैग गाइस, ये दो हैशटैग ही हमारे सबको संभाल लेंगे, ठीक है। तो यही लगा देना, कोई दिक्कत की बात नहीं, दो हैशटैग बहुत है। बाकी इसको आप सिंपली नीचे जाले ऑप्शन पे, शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको उसको शेयर कर देना है। एंड गाइस यहाँ तक हमारी वीडियो हो चुकी है, आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।